Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to start a new series of the movie Lucky Bhaskar. Yes, so this movie recently got released actually. Yes. And it's a, you know, superb rating it is having and actually, seems very interesting. Actually, it recently got released on OTT. OTT, yes. So we are like, okay, we have to give the reaction on this Lucky Bhaskar movie and, you know, share our reaction with you also. Let's get started. But usse pehle, if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, so चलो शुरू करते हैं। 29th मार्च 1992 तलकर सलमान कमान मुंबई मुंबई है मेरी जान टीचू ये समुंदर जितना शांत दिख रहा है ना उतने यहाँ के लोग नहीं है हमेशा जल्दी में रहते हैं उसकी वजह है ट्रू ऐसा इस शहर में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं नौकरी है धंधा है राजनीति है गुंडागर्दी है फिल्में हैं रियल एस्टेट है सबका अपना तरीका है लेकिन सारे तरीके सलाम ठोकते हैं दलाल स्ट्रीट ओके बीएससी की 29 मंजिलें इस शहर की जान है शहर की यह है बॉम्बे द मनी कैपिटल ऑफ इंडिया की जान है लीजिए भास्कर जी मैंने कहा कि ब्लू मून शेयर्स एक हफ्ते में बढ़ जाएंगे आशा मैंने जैसा कहा वैसा ही शेयर था हर्षा भाई उर्फ हर्षा मेहरा बीएससी का बच्चन द बिग बुल अगर स्टॉक मार्केट एक महासागर है तो वो ग्रेट व्हाइट शार्क न्यूज़पेपर खरीदने वाले 90% लोग फर्स्ट पेज या स्पोर्ट्स पेज पढ़ते थे लेकिन उसके वजह से लोग बिजनेस पेज पढ़ने लगे गली मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानों से लेकर रिक्शा वालों के घर तक उसने स्टॉक मार्केट को मशहूर कर दिया उसने कहा जो सपनों से नहीं डरते उन्हीं के सपने पूरे होने की हिम्मत रखते हैं करेक्ट लेकिन ये कहानी उस शख्स की नहीं है अच्छा मेरी है माय नेम इज भास्कर कुमार ओके भास्कर कुमार खान Let's see what he is going to do, okay? Oh, share Some, market ka kuch. Something related to money it is there. Yeah. Mr. Bhaskar, I am Lakshman Rao, Chief Investigation Officer from CBI. Aapko only got caught. Bank mein, lekin main... Aapko aana hi hoga. जरा नहा के आ जाता तो ब्रश किया ना हाँ बस है गाड़ी में बैठो चलो बस सम फ्रॉड और समथिंग हैज हैपेंड और व्हाट आई थिंक सो द होल टाइम इट इज शोइंग ना 1992 कौन हो तुम सीबीआई मैंने कहा बोले सर चलो ये आपके साथ है क्या सर हाँ गेट खोलो तुम पर कुछ इल्जाम लगे हैं जैसे बैंक फंड्स मिसयूज करना सिक्योरिटीज और बैंक रिसीट फ्रॉड में शामिल होना That's why CBI is here to inquire that matter. Okay, इतना बड़ा fraud किया है? Okay, they're investigating in his house as well. Hello, sir, आपकी wife का phone है. Sumati? कुछ लोग घर पर आए हैं. कह रहे हैं CBI से हैं. हर चीज की जांच कर रहे हैं. तुम परेशान मत हो. CBI के लोग अपनी duty कर रहे हैं. Cooperate करो, ठीक है? तो शुरू करें ए सिक्योरिटी हाँ सर जनरेटर ऑन करो रिपेयरिंग चल रही है सर कितने टाइम में हो जाएगा इलेक्ट्रिशियन आ रहा है आधे घंटे में हो जाएगा उसे जल्दी बुला कर लाओ सबके लिए चाय बोल दूं सर ए पहले फ्यूज चेक कर ठीक है सर शिट
Looking so suspicious now only, he man. He only has done something. तो कहानी शुरू करें. Okay, let's start. 11th August 1989. Okay. My name is Bhaskar Kumar. मगधा बैंक में मैं कैशियर हूँ. मेरी तनख्वाह है 6,000 और मैंने बैंक से 36,000 का लोन लिया है. He's a bank employee only. Yeah. Good morning. मगधा. मगधा बैंक उन गिनी चुनी बैंक्स में से एक है जो 1980 में नेशनलाइज होने से बच गई. ये है हमारे करंट चेयरमैन राजवीर लोखंडे. ओके सर, ठीक है सर. लता मैम, आपकी बेटी का बुखार कैसे? हाँ, अब ठीक है. बहुत अच्छा. मैडम, कल जो मिठाई दी थी वो बहुत अच्छी थी, सब उंगलियां चाटते रह गए. ये है हमारे रीजनल मैनेजर हिमांशु सर. बहुत गुस्सा करते हैं. सब कुछ ठीक है ना? फालतू में भड़कते रहते हैं. रियली प्राउड ऑफ यू. गुड जॉब भास्कर, गुड जॉब. थैंक यू सर. ट्राई एंड गेट मोर FDs फॉर द बैंक. अगर बैंक ग्रो करेगी तभी तुम ग्रो करोगे. ये है असिस्टेंट रीजनल मैनेजर अतीश सर. एक महीने में रिटायर होने वाले हैं. अगर मैं ईयर एंड टारगेट्स अचीव कर लूं तो हिमांशु सर ने वादा किया है कि वो इस पोजीशन के लिए मुझे नारायण सर नहीं आए क्या? अभी नहीं आए. नहीं आए? वॉल्ट मैनेजर नारायण सर ये ना कभी वक्त पर बैंक में आए हैं और ना ही कभी क्लोजिंग टाइम तक बैंक में रुकते हैं. कितना है? 25 लाख. ये बैंक लेजर है, इसमें वॉल्ट का खाता मेंटेन होता है. मंथ एंड पर इसे कंप्यूटर पर अपडेट किया जाता है और हर 6 महीनों में हमें इसकी रिपोर्ट बनाकर रिजर्व बैंक में सबमिट करनी पड़ती है. भास्कर, मेरी बेटी को देखने आज शाम लड़के वाले आ रहे हैं, मुझे जरा जल्दी निकलना होगा, तो तुम वॉल्ट में पैसे रख देना और ख्याल रखना. गुड मॉर्निंग भास्कर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग भास्कर. गुड मॉर्निंग. GM विनोद सर, AGM श्रीकांत सर, यही इस बैंक के मेन पिलर्स हैं. पिछले 3 सालों से मैं इस बैंक का बेस्ट एम्प्लॉई हूँ. इन अवार्ड्स को देखकर मुझे अपने काम पर बहुत गर्व होता है. बट स्टिल सैलरी इज 6,000. मारुति 800 मेरी फेवरेट कार. कोई इसका लोन नहीं चुका पाया तो बैंक ने इसे जब्त कर लिया. 6 महीनों से इसे ऐसे ही देख रहा हूँ. डाउन पेमेंट के सपनों से पहले हकीकत का कर्जा तो चुका दो सर. सांबा मेरा बेस्ट फ्रेंड, 10वीं तक हम एक ही क्लास में थे. okay. मैं पास होकर कैशियर बन गया और ये फेल होकर प्यून बन गया. माय पार्टनर इन क्राइम. हमारा एक साइड बिजनेस भी है. हर रोज सैकड़ों लोग बैंक में आते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग खुद चेक भी नहीं भर पाते. अगले काउंटर पर जाइए. नेक्स्ट. ये डीडी को कैसे भरते? अगला काउंटर. मैं ऐसे जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर देता हूं फॉर अ नॉमिनल फी. दिस इज कॉमन इन द बैंक ओनली, इन आवर साइड आल्सो. ये मेरा लोन एप्लीकेशन. कितने का लोन चाहिए? 2 लाख. कोलैटरल क्या है आपके पास? कुछ नहीं बचा सर, सब चला गया. अगर आप चाहो तो मेरा पोर्ट का ट्रेडिंग लाइसेंस रख सकते हो. ये बैंक के काम नहीं आता सर. सर नेक्स्ट. ये है मेरी कॉलोनी. यहाँ बहुत लोग मेरा इंतजार करते हैं. मैं उनका लाडला नहीं हूँ, कर्जदार. ये सब चिल्ला रहे हैं. इनके 750 रुपए, इनके 550 और इनके 1,000 और इनके हैं तकरीबन 1,200. पटेल भाई का 10,000. पटेल भाई थोड़ा सा टाइम दे दीजिए. फिर गाड़ी दे रहा क्या मेरे को? अगले महीने अगर मेरे को ब्याज नहीं मिला ना, फिर वसूली कैसे कटाऊं? देख श्योर भाई. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट वन पक्का. थैंक यू भाई. इतना कर्जा लिया क्यों इसने? अरे जरूरत पड़ता है लोगों का, छोटे छोटे जरूरत के लिए भी. 6,000 से थोड़ी कुछ. हमारा साउथ बॉम्बे का घर, इसे मेरे पापा ने बनवाया है. मेरा छोटा भाई इंजीनियर बनने के लिए जी जान लगा रहा है. इस बार हो जाएगा ना? हो जाएगा. मेरी बहन टाइम पास के लिए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही है. मेरी माँ जब हम छोटे थे तभी गुजर गई. मेरे पापा प्रहलाद कुमार एक जमाने में बॉम्बे के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ये, लेकिन अभी घर पर हैं. 10 साल पहले दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया तो उसमें इन्हें धोखा मिला. तब से ये पैरालाइज्ड हैं. इस धोखे से वो उबर नहीं पाए. तब से इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया है. मैं प्रॉब्लम्स के मामले में लखपति, पर खाते की गरीबी रेखा से दोस्ती. उसके घर वाले शादी से बहुत नाराज थे, लेकिन उसे मुझ पे भरोसा था, इसलिए शादी कर ली. मेरी सुमति, मेरी ताकत, मेरी पत्नी. Somebody trusted. इसका सपना है कि इसका एक होम फूड्स बिजनेस हो. अचार बनाया है. ये लीजिए. और ये है मेरा 6 साल का बेटा कार्तिक. स्कूल कैसा था? मस्त था.
ये लो 50 रुपए। अरे चलो चेंज कर ले। ऋत्विक। हाँ ऋत्विक। ओके ऋत्विक अभी सुपरस्टार बन गया है। ऑफ कोर्स ये वाली टी-शर्ट पहन लो। मम्मी हर बार वही टी-शर्ट। हीरो लगोगे, पहन लो। हमें देर हो गई तो वहाँ केक खत्म हो जाएगा। तुम तैयार हो? ऑलमोस्ट। अच्छा क्या अरुण के लिए रास्ते से कोई गिफ्ट लेते चले? गिफ्ट? अभी गिफ्ट कैसे लाएंगे? मम्मी मैं तैयार हूँ, थोड़ी देर ईमन के साथ खेल लूं। वाओ ईमन तो, थैंक यू कार्तिक। बेचारा कार्तिक का खिलौना क्यों दिया? कोई बात नहीं, मैंने इससे कहा कि अगले बर्थडे पर हम इसके लिए और खिलौने लेके आएंगे, इसलिए मान गया। ओहो देखो पापा ने फिर से देर कर दी। नमस्ते सासू माँ। चल आजा। रमेश भाई नमस्ते। नमस्ते, कैसे आप? बढ़िया। खाना तो ठीक है ना? एकदम मस्त। आप ठीक तो है ना? कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ। सुनिए नमस्ते। तभी नहीं दे रहा वो। होम फूड्स बिजनेस के लिए पूछने को कहा था। She is rich. Her house. पहले से एक लोन चल रहा है, पहले वो चुका दे तभी नया ले सकते हैं। वो क्या चुकाएगा, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। मेरी बात मान, कार्तिक को लेकर घर आ जा, तेरा भाई तेरे लिए कोई रास्ता ढूंढ लेगा। अभी तो जवान है, दूसरी शादी। बस माँ क्या कह रही हैं आप, कब क्या कहना चाहिए आप कभी नहीं समझेंगी। मामी मुझे एक और केक का पीस मिल सकता है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। अरे ये कौन है? कार्तिक। ओ मामी। अच्छा नहीं मतलब वो छोटा है ना, शायद इतना वो खा ना पाए। कार्तिक तुम्हें और एक पीस चाहिए ना, ये लो प्लेट नीचे रखो। पर मम्मा ये केक। प्लेट नीचे रखो। भास्कर चलो चलते हैं। भैया से बात कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो भैया चलते हैं। क्या हुआ सुमति? सुमति सुमति क्या हुआ? सुमति क्या हुआ बता तो सही। खाना तो खा कर जाओ, पेट भर गया मेरा। पर इसे क्या हुआ? जाने दीजिए माँ जी। भाव तीन बड़ा पाव। Take some wrong steps sometime. Oh ho, उसको बड़ा पाव खाने के लिए भी पैसा नहीं है। जल्दी भूख लगी। अरे साहब पैसा दो। लीजिए भैया तीन बड़ा पाव। Sometimes sometimes some people are yeah good also. They can understand the situation of somebody. He also know he might not be able to pay back, but still. मैंने खा लिया है। तुम खाओ। ठीक है। क्या हुआ सुमति? When you are poor, then only I think you start taking wrong steps. करते हैं। तुम वहाँ जाके खाओ। वहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं। तुम्हें भी मस्ती करनी है? तो जाओ। एक बच्चे को खिलाने के लिए अकड़ रहे थे, कैसे लोग हैं? क्योंकि हम गरीब हैं, अगर पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। पैसे कमाएंगे, मैं कमाऊंगी पैसे। मुझे लोन दिलवाओ, मैं अपना होम फूड बिजनेस शुरू करूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी, पर उन्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। पहले खा तो लो। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। छोटी कहेगी, बेवजह झूठ मत बोलो। तुमने भी तो झूठ बोला कार्तिक से। ठीक है आधा तो खाओगी ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए। Yes, he is looking to that chair. अरे कुर्सी बुला रही है तुझे। अगर तुम्हें प्रमोशन मिल गया तो तनख्वाह कितनी होगी? तकरीबन 12,000 मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। पहली पगार से तुम्हारे लिए नेकलेस लाऊंगा। ठीक है देखते हैं। तुमने बात कर ली ना? तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। ठीक है। नमस्ते सर। आपका नाम? सर एंथनी। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हो पाएगा। सर बात तो सुनो। सांबा हाँ अगला भेज। सर सर आप अंदर जाकर मेरे लिए आधा किलो मिठाई लाओ, मैं आपका काम कर दूंगा। जाओ सर। इसे मैंने ही बुलाया था। क्यों? उसका माल पोर्ट पर फंसा हुआ है, 2,00,000 देगा तभी माल मिलेगा।
मार्केट में उसके माल की बहुत डिमांड है, धोखा चार करेगा। पूछ उससे माल क्या है, कहीं ड्रग्स तो नहीं? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी सेट्स। कासाब्लांका नाम की एक शिप है, उसका कैप्टन जॉर्ज मेरा पुराना दोस्त है। मैंने मलेशिया से 30 टीवी मंगवाए थे, यही कुछ 2.5 लाख रुपए के, 50,000 एडवांस दिए थे और बाकी के पैसे डिलीवरी के बाद दे दूंगा, ऐसी डील हुई थी। जो पैसे देने वाले थे उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, माल बेच के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक पैसे नहीं दूंगा जॉर्ज मुझे माल नहीं देगा। एक महीने का वक्त देता हूँ, पैसे लाकर दे और अपना माल ले जा। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो कह रहा है वो माल की नीलामी कर देगा। आपको मेरी मदद करनी होगी। सर मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर पैसे बैंक के हैं और वो निर्दयी है। सर जाइए सांबा की एक बीड़ी पी के आइए, 5 मिनट बाद आइएगा। तेरे साले साहब से पूछना, रियल एस्टेट में मोटा पैसा कमाया उसने। साला मुझे इंसान भी नहीं समझता, 2 लाख रुपए क्या खाक देगा? अरे दान लेने थोड़ी बोल रहा हूँ, 3% का ब्याज दे दे। और फिर हम इसे 10% पे देंगे, 1 दिन में 20,000 जेब में। मुझे चलेगा सर। अरे बीड़ी निकल गया क्या? आपने माचिस ही नहीं दी मुझे। सुमति के भैया तो पैसे देने से रहे और लग नहीं रहा कि ये एंथनी पीछा छोड़ेगा, किस बहाने से इसे भगाऊं। ठीक है सोचकर बताता हूं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है सर, कभी भी कॉल कीजिए, 5 मिनट में प्रकट हो जाऊंगा। फर्स्ट उसका हेराफेरी शुरू होगा, कहीं इसके साथ ही वापस स्कैम ना हो जाए। पटेल भाई, पटेल भाई कैसे हैं भाई? यार नौटंकी चल रहा है क्या घर के, और कितने चक्कर लगाऊं मैं? नहीं भाई, 1-2 दिन मैनेज कर लीजिए ना सर। चुप, आप उनका स्क्रू ढीला रखता है क्या? तेरे को कब देगा मेरा पैसा? पंचवर्षीय योजना है क्या? बहुत हो गया अब तेरा। शांत हो जाइए ना। चल पैसे निकाल, पैसे निकाल, बटुआ 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 निकाल, बटुआ निकाल, बटुआ निकाल ना, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, देखा नहीं मेरे को, निकाल 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 निकाल, बटुआ निकाल। पटेल भाई पर्स मत देखिए। साला ये भी खाली है, कैसे देंगा मेरा पैसा, कैसे चुकाएंगा मेरा पैसा? हाँ हाँ, गाड़ी 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 का चाबी दे, गाड़ी का चाबी दे, चल 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 चल, निकाल 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 ना ना, नहीं नहीं निकाल चाबी दे, पैसा दे फिर गाड़ी ले। प्रमोशन डे था, सब आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द न्यू असिस्टेंट रीजनल मैनेजर ऑफ मगधा बैंक कोलाबा is Mr. Sudhir Chatterjee. Congratulations. Thank you. I don't hear this. All dreams are shattered. Go on. He is like, you know, giving his life to the bank. Still. I'm really sorry, Bhaskar. हम सबको लगा था तुम्हें ही promotion मिलेगा। कल तक आपका नाम उसमें था भास्कर। वो कल तक था। What happened? Suddenly. Good morning, sir. Sorry, Bhaskar. I tried my best. It was the GM's call. Okay, sir. This is very bad situation for him, man. Seriously, all dreams are shattered, scattered like anything. धोखा हुआ ना? ये हिमांशु सर ने जानबूझकर तुझे मैनेजर का प्रमोशन नहीं दिया। जाने भी ना यार, फैसला जनरल मैनेजर का था, बेचारे हिमांशु सर भी क्या कर सकते हैं। और कितने दिन उस मक्कार पर भरोसा करेगा? ये देख लेटर। आज ही मुझे जीएम सर का रूम साफ करते हुए मिला। तेरा नाम है कहीं? उस सुधीर के अलावा किसी का भी नाम नहीं है। बंगाली बंगाली भाई भाई, एक ही गांव के हैं दोनों। लोग ये भी कह रहे हैं पैसे खिलाकर प्रमोशन मिला है। आओ भास्कर। ये लेटर तुम्हें कहां से मिला? पिछले 3 सालों से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो, बेवजह कभी छुट्टी भी नहीं ली, क्या कमी रह गई थी सर?
मेरा कौन सा काम आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है, जस्ट लिसन टू, मैंने कितने एफडी अकाउंट ओपन करवाए, सारे काम टाइम पे किए, जी जान से काम किया, फिर भी आपने मेरा नाम रिकमेंड तक नहीं किया। Can you stop being emotional? Just sit down. परसों तक तो आपको मुझ पे गर्व था। बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट का रोल जरा अलग होता है। क्या फैक्टर कंसीडर किए थे आपने सर? वो बंगाली और मैं नहीं, यही ना? Enough. बस हो गया। Not another word. तुम गुस्सा हो लेकिन अपनी हद मत पार करो, दरवाजा बंद मत करो। मैं चाहता हूँ मेरी बात पूरी ऑफिस सुने। सब लोग यही कह रहे हैं ना कि आई फेवर्ड हिम बिकॉज ही इज अ बंगाली। बात सुनो, ही इज बेटर देन यू। उसने तुमसे ज्यादा एफडी अकाउंट्स खुलवाए इस बैंक में, दैट टू हायर वैल्यू डिपॉजिट्स। और वो तुम्हारी तरह साइड बिजनेस नहीं करता है बाहर कैफे में। साइड नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कस्टमर्स की हेल्प करता हूँ। व्हाट? मुझे नहीं पता तुम कैफे में कौन सा चिल्लर बिजनेस करते हो। That's okay, ना? तुम्हें अंदाजा भी है तुम जो कर रहे हो इलीगल है। जीएम सर को बता दूं इस जॉइंट वेंचर के बारे में? बताऊं? सॉरी सर, लीव इट सर। व्हाई शुड आई लीव इट? यू मेड सच अ स्ट्रांग एक्यूजेशन अगेंस्ट मी। यू हैव अक्यूज्ड मी ऑफ फेवरिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। सर मैंने गुस्से में कह दिया। लेट मी टेल यू समथिंग, यू नीडेड एन इमरजेंसी लोन इन वन डे। हु गॉट इट फॉर यू? दिस बंगाली। सॉरी सर, सॉरी। इन द मिडिल ऑफ द ईयर 500 रुपीस extra increment. Who got it for you? This I'm Bengali. Grateful, sir. No, you're sir, not grateful sir. At all. Sorry, sir. No, you're not grateful. Chalo, let's go to the GM. Let's settle it with the GM. Sir, I'm very sorry, sir. Chalo. Just stop this crying. Turn behind and back to him. कह रहा कि गलती हो गई। उसने गुस्से में कह दिया। माफ कर दीजिए। सर, इसका करियर खराब हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए। Please, sir. हाँ, sir. माफ कर दीजिए। Sorry, बोल रहा है ना? Okay, now stop crying. सुधीर चौधरी भी आ गया है। सुधीर की तरह मेहनत करो, तुम भी आगे जाओगे। I'll leave this matter here. Now just please, ले जाओ इसे यहाँ से। ठीक है, भास्कर, चल। मैं एवरे बड़े सिचुएशन है जी। It's okay. Same like any बड़े। एवरे बड़े सिचुएशंस आर different, right? See, he started feeling guilty now. In front of everybody. It's insult also, right? Mm. I'm feeling very bad for this poor guy. Yeah. He doesn't have money. He's very poor. This guy True. Also. No, I don't know what step he is going to take now. It will become very tough. सामा, हाँ? सर दर्द से फट रहा है, एक चाय लेके आना यार। लता मैम, विमल ग्रुप की डीडी रेडी है। लता मैडम, जैसे ही रेडी होगी मैं सामा के हाथों भिजवा दूंगी। ओके। He is trying to behave normal now. घर में जा ही रहा हूँ, फाइल देनी थी बस। आप घर जाइए, मैं देख लूँगा। He started his work as he used to do. चाय। थैंक्स भाई। फाइल? हाँ वहाँ रख दे। नेक्स्ट। भास्कर, तू ठीक है ना? एकदम मस्त। ओह, ही इज एक्टिंग नॉर्मल इन दिस टफ टाइम आल्सो। ही इज हैविंग स्टॉर्म गोइंग ऑन इनसाइड हिम बट ही इज नॉट शोइंग दैट बिकॉज़ ये कबूतर ज्यादा बैंक के ब्रांच में बैठते हैं क्या? ठीक से साफ कर। हां करता हूं सर, चकाचक करता हूं। हे भास्कर, आज मेरी बीवी का जन्मदिन है, तो ये दे सोचा उसे सरप्राइज दे दूं। इंटरनल ऑक्शन में खरीद ली मैंने, अच्छी है ना? सही है। चलो चलता हूं। सर सर सर, सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी सर। अरे वो सब मैं भूल गया, तू भी भूल जा। थैंक यू सर। बाय सर। सीम्स लाइक ही गॉट अ प्लान नाउ। दिन में आधा घंटा भी मेरे हिसाब से नहीं बीता है, लेकिन पूरी जिंदगी रोते तो नहीं बैठ सकते ना। वाह, तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड को सलाम है भास्कर। थैंक यू मैडम। बाय सर। बाय। चल चलते हैं। सुन, सुबह से कुछ खाया नहीं है यार, एक एक चाय समोसा हो जाए क्या? चल। ओके सो ही इज सच अ यू नो वेरी फॉर्म पर्सनालिटी, लाइक ही इज ब्रेकिंग बट स्टिल ही इज लाइक नोइंग हाउ टू you know control again, all the emotions stand up right, stand right. up back True. So this is very very common thing actually, it happens
in our society, in our, you know, offices, you can see that the people who are doing very best, they are not getting the promotion, right? And there are a lot of stories, a lot of things are there which the higher management is taking the decision based upon that. There will be positive, negative, a lot of the scenarios will be there, but but I am feeling very good. It's always a decision of management. He is helping the poor guys who are not able to do this properly. That too with a you know small because this thing compensation, comes, but yeah, that comes this, because illegal. You are poor. Hmm. No, you are poor. That's why these all things you have to do it. Yeah. Just to earn some bit of extra yeah, penny. Yeah. So that is also is being noticed actually by the management. And these all factors are coming actually, and he is not getting the promotion. So what will happen next? How he will become that which we have seen at the very beginning? That is the main, you know, story maybe. So yes, yes, I'm feeling this movie very interesting. Yes, I'm just liking this movie a lot actually. So yes, that is it for today's video. I hope you have enjoyed our reaction. If you do so, please don't forget to subscribe our channel, guys, and also clicking on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then. Bye. Bye.